नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे अहोम डायनेस्टी के बरियल माउंट्स, जिनको रॉयल बरियल माउंट्स भी कहा जाता है, या फिर असमीज पिरामिड के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये बन गई है भारत की एंट्री फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज टैग। क्या है ये असम्स पिरामिड्स या फिर जो रॉयल बरियल माउंट्स हैं, और साथ साथ बात करेंगे अहोम डायनेस्टी की भी थोड़ी सी आज के सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज से। सो असम के चराएदेव मोयदांस या फिर रॉयल बरियल माउंट्स, ये बन गए हैं भारत की ओनली एंट्री टू यूनेस्को, जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कल्चरल कैटेगरी फॉर 2023-24। ऐसा चीफ मिनिस्टर, जो स्टेट चीफ मिनिस्टर हैं, हिमंत बिस्वा ने अनाउंस किया सैटरडे को। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर, ऐसी 52 टेंटेटिव साइट्स थी अक्रॉस दी कंट्री जिनको पिच किया गया था अलग अलग राज्यों के द्वारा फॉर दिस एंट्री, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चूज किया चराएदेव मोयदांस को एज द इंडियाज एंट्री। यूनेस्को की टीम अब विजिट करेगी साइट को सितंबर में, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको घोषित कर दिया जाएगा विश्व धरोहर साइट बाय मार्च नेक्स्ट ईयर 2024 में। नाउ अगर इसके सिलेक्शन की बात करें चराएदेव मोयदांस की, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सिलेक्शन हुआ है एज इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंट्री, ये कहीं ना कहीं बीजेपी जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक रिपीटेड इन्वोकेशन है। मतलब वो किस तरह से रिपीटेडली याद कर रहे हैं अहोम डायनेस्टी को या उसकी जो भी खासियत थी उनको, उसी की तरफ एक कदम आगे है ये। जैसे कि 2022 में भी 17वीं शताब्दी के अहोम जनरल लचित बोरफुकान, इनकी 400वीं जयंती के समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 3 दिन का सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में, जिसकी शुरुआत 23 नवंबर से हुई थी। यहां पर मैं आपको बता दूं, इस समय एक डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च की गई थी ऑन द लाइफ ऑफ लचित बोरफुकान, जिनको एक हिंदू हीरो की तरह देखा जाता है। इसी के साथ साथ असम राज्य भी 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, अहोम डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, और साथ में इन बरियल माउंट्स को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स इन PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। सुबह 11 बजे स्पेशल क्लास का टाइम है और ये फ्री सेशंस होते हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है NDLIFE10। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, मैम क्यों जुड़े अनअकैडमी से? देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग मिलती है, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स जो हर साल हम देखते हैं। एक और रीजन है, रिपब्लिक डे ऑफर के रूप में आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है अनअकैडमी टिल 28 जनवरी। सभी UPSC CSE सब्सक्रिप्शन पर आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है टू एनरोल फॉर द सेम एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट्स। नाउ चलिए बात करते हैं मोयदांस क्या होते हैं, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, एंड एक्सक्यूज मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर आपको लगता है प्रोनाउंसिएशन सही नहीं तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। चलिए, मोयदांस कंटेन द रिमेन्स ऑफ अहोम डायनेस्टी रॉयल्टी, इसीलिए इनको रॉयल बरियल माउंट्स भी कहा जाता है। जो अहोम डायनेस्टी की रॉयल्टी थी उनके रिमेन्स है ये कह सकते हैं। पहले क्या होता था, अहोम्स को बरी किया जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद उन्होंने हिंदू जो मोड ऑफ क्रिमेशन है, जिसमें चिता जलाई जाती है, उसको अपनाया, और उसके बाद जो बोन्स और एशेज होती थी इन रॉयल लीडर्स की, उनको और जो भी रॉयल घराने से जो होते थे अहोम डायनेस्टी के, जो भी रॉयल्टी थी, उनको एनक्लोज किया जाता था इन मोयदांस में, विच इज एन अर्दन पिरामिड। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, इस तरह से एक माउंट बना दिया जाता था, ठीक है, मिट्टी का एक पिरामिड बना दिया। मोयदांस ये एक आउटस्टैंडिंग न्यू टाइप ऑफ फ्यूनरल आर्किटेक्चर है ऑफ द स्टेट ऑफ असम इन द जियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। नाउ अभी तक 386 मोयदांस को एक्सप्लोर किया जा चुका है इस समय तक, जिसमें 90 बरियल रॉयल बरियल्स मिले हैं एट चराएदेव, विच आर बेस्ट प्रिजर्व। इन 386 में से 90 बरियल्स जो है रॉयल बरियल्स, वो अच्छे से प्रिजर्व है, रिप्रेजेंटेटिव है, और कहीं ना कहीं एक कंप्लीट एग्जाम्पल है इस ट्रेडिशन का, बहुत सही तरीके से डिपिक्ट करते हैं उस तरह का, उस टाइम का जो इनका फ्यूनरल आर्किटेक्चर था या फिर जो भी इनका तरीका था, तो काफी अच्छा डिस्प्ले ये करते हैं उस हिस्टोरिक ट्रेडिशन का। चराएदेव या फिर जिसको शाइनिंग टाउन ऑफ हिल टॉप भी, ऑन हिल टॉप भी कहा जाता है, ये पहला कैपिटल था जिसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय किंग चोलम सुखापा, जो कि फाउंडर थे अहोम डायनेस्टी के इन 1229 CE। नाउ थ्रू द 600 years ऑफ अहोम रूल, कैपिटल जो थी डायनेस्टी की काफी बार शिफ्ट हुई, लेकिन
चिरायदेव जो था वो हमेशा सिंबॉलिक सेंटर रहा पावर का फॉर दी अहोम डायनेस्टी। अब बात करते हैं अहोम्स की, अहोम्स कौन थे। सो अहोम्स को जैसा रिपोर्ट किया जाता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एसमीज रेस को जो एक साथ मिलकर और देवर एबल टू फाइट, किसी भी एलियन से वो लड़ सकते थे अपनी जगह को बचाने के लिए, जैसे कि मुगल जैसे फोर्सेस से भी वो लड़े हैं और वो बचा लेते थे। ब्रिटिशर्स ने इनको बिल्कुल बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ बुक द अहोम विच इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता, इनकी बुक के अकॉर्डिंग फ्री इंडिया में भी जो अहोम्स हैं उनको सब चीजों के लिए अभी भी फाइट करना पड़ता है। अहोम्स इनिशियली वर नॉन हिंदूज, वो नॉन हिंदूज थे, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था लोकल रिलीजन हिंदुइज्म ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुदनखा। अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, 1397 1407 के बीच में, इस ड्यूरेशन में। तो उन्होंने यहां से 1229 में वो आए, लेकिन 1397 तक आते आते उन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया। ये पहला बार था जब हिंदुइज्म, विच वॉज द प्रीडोमिनेंट रिलीजन ऑफ कोर्स इस पूरे रीजन का, ये एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन था आउटसाइड द होम रियल्म, ये ऊपर तक पहुंचा, मतलब सभी ने इसको फॉलो किया, इसके ट्रेडिशंस को, इसके रिचुअल्स को फॉलो किया जाने लगा। हिंदू रिचुअल जिसमें कि लक्ष्मी नारायण, शालिग्राम की पूजा हो, इन एडिशन टू सन आइडल सोमदेव हो, ये परफॉर्म किए जाने लगे रॉयल पैलेस में, मतलब ये ऊपर रॉयल्टी तक, रॉयल पैलेसेस तक भी ये रिलीजन पहुंच गया था 1397 ऑनवर्ड्स। बाद में हिंदू गॉड इंद्र, जो इंद्रदेव है, इंद्र भगवान है, उन्होंने एक तरह से लिंगडन जो रूलर ऑफ हेवन थे अहोम में, उनको सरपास करके ही बिकेम द मेन यू नो गॉड देयर, और अहोम किंग्स ने हिंदू नाम अडॉप्ट करने शुरू कर दिए इन एडिशन टू शान टाइटल्स। दत्ता ने अपनी बुक में ये भी मेंशन किया है रिगार्डिंग दी अहोम्स। अगर हम अहोम्स की प्रेजेंट डे बात करें या प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स की बात करें, तो 2021 के ही असेंबली पोल्स में असम में अहोम ने अच्छा खासा एक सेंटर स्टेज लिया बीजेपी के कैंपेन में, जिसमें उन्होंने बोर फूकान जो कि असम के ग्रेटेस्ट मिलिट्री हीरो की तरह से देखे जाते हैं उनको अपना फेस बनाया, जो कि मैंने आपसे शुरुआत में बात भी की थी जिसके बारे में। बोर फूकान कमांडर थे अहोम राज्य के, इस किंगडम के, एंड वो अपनी लीडरशिप के लिए जाने जाते थे, स्पेशली इन दी 1671 बैटल ऑफ सरायघाट, जहां पर मुगल फोर्सेस जो असम को कैप्चर करना चाहती थी उनके इरादों को इन्होंने एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था, उनको सफल नहीं होने दिया था। तो तब से ये टेकन एज द ग्रेटेस्ट मिलिट्री हीरो। उसके बाद लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर ही 400वीं जयंती मनाई गई इनकी, पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था सेइंग ग्रीटिंग्स ऑन लक्षित दिवस। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्वीट, दिस लक्षित दिवस इज स्पेशल बिकॉज वी मार्क द 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट लक्षित बोरफुकान। मतलब काफी ज्यादा इनको अप्रिशिएट किया गया, इनको काफी ज्यादा इनका नाम आगे पहुंचाया गया, कहीं ना कहीं अहोम डायनेस्टी को वापस से एक तरह से उनको याद किया जा रहा है फ्रॉम दी बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ में ये भी कहा गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि वो एपिटमाइज करते हैं अनपैरेलल करेज को, मतलब वो उसकी सर्वोच्च वो दिखाते हैं, श्रेणी दिखाते हैं, ही प्लेस द वेलबींग ऑफ पीपल अबव एवरीथिंग इन एल्स, कि उनके लिए जो लोग थे, जो जनता थी, उनका वेलबींग सबसे ऊपर सर्वोपरि था, एंड ही वॉज जस्ट एज वेल विजनरी लीडर, और एक बहुत अच्छे विजनरी लीडर भी थे जो आगे का सोचते थे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इसी वजह से इस एंट्री को भेजा गया है फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग इन कल्चरल कैटेगरी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। 27 जनवरी से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 2024 के लिए, आप एनरोल कर सकते हैं इसमें। इसी तरह आपके जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एनसीईआरटी बैच शुरू हो रहे हैं दोस्तों, ये सभी दिग्गज आपको पढ़ाने वाले हैं एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 7499। 3 महीने की क्लासेस होंगी, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस ली जाएंगी, 6 to 12 एनसीईआरटीज यहाँ पर कवर की जाएंगी विद टेस्ट ऑल्सो। लोन फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं, एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है फॉर ऑल दी सब्सक्रिप्शन एंड यू नो लोन एटसेट्रा। इसी के साथ अन अकेडमी सेंटर लॉन्च हो गया है यूपीएससी सीएससी के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर में, ऑफलाइन सेंटर जहां पर आप अर्ली बर्ड कोर्स फी एट 1,500 पर एनरोल कर सकते हैं। 4 फरवरी से बैचेस शुरू हो जाएंगे, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर एक बेनिफिट ये है आपको दोस्तों कि ना केवल आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी, आपको प्लस और जो टेस्ट है उसका एक्सेस भी होगा ऑनलाइन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल ही रहा है प्लेटफॉर्म पर, एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करके एनरोल करना है, एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑल्सो। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। Thank you so much. God bless. Take care.